डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे हम इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, माहौल और आलूगी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका लिथोस्फेयर को उर्दू में जो है कुर्रे हजरी कहा जाता है। लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द प्लैनेट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। लिथोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली सख्त सतह होती है हमारे ज़मीन की, जो किससे बनी होती है, रॉक से, चट्टानों से और मिट्टी से और सॉइल से बनी होती है। इसको हम इट इज़ आल्सो नॉन एज क्रस्ट, क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो थ्री लेयर से अर्थ की क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो क्रस्ट है उसी को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ऑल द कंटिनेंट्स, जितने भी कंटिनेंट्स हैं, बड़े आज़म हैं, आइलैंड्स, जजीरे हैं, ओशंस हैं, समंदर हैं, इसके अंदर आते हैं लिथोस्फीयर के अंदर, ठीक है। इट सपोर्ट्स ऑल लैंड एनिमल्स, ये सपोर्ट करती है जितने भी ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, एनिमल्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स उगते हैं जहाँ पे, ठीक है, एंड क्रॉप्स एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। मतलब इसका कहने का है कि जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उनको ये सपोर्ट करती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती है इसमें, ठीक है, क्रॉप्स उगते हैं और जितने भी इंसान की एक्टिविटीज हरकतें होती है, जैसे कि फार्मिंग करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, माइनिंग करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं और इंडस्ट्रीज, ठीक है, कारखाने बनाते हैं, तो ये सारे लिथोस्फीयर के ऊपर होता है, ठीक है। अब है दूसरा जो है इसका टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते हैं हयाती कुर्रा, कुर्रे हयाती, ठीक है। बायोस्फीयर किसको कहा जाता है? द बायोस्फीयर इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ द एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वियर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर कहा जाता है हयाती कुर्रे में क्या आता है, वो हिस्से किसके, एटमॉस्फेयर के, ठीक है, कुर्रे हवा, लिथोस्फेयर हजरे कुर्रे, ठीक है, हजरी कुर्रा, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, उसके बाद बताया हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती, मींस वो हिस्से हमारी एटमॉस्फेयर के, लिथोस्फेयर के और हाइड्रोस्फेयर के जहाँ पे लाइफ मुमकिन है। उसके बाद विच इज का एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट विच इट एग्जिस्ट विच इज कॉल्ड इट्स इकोसिस्टम। हर एक बता रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार है उनका एक अपना माहौल होता है जिसमें वो रहते हैं, ठीक है, जिंदा रहते हैं, ठीक है, सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ए हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, ठीक है, एक अच्छा माहौल ज़रूरी है लिविंग बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए, वजूद के लिए। ह्यूमन बींग्स यूज़ द एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। क्या बता रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस माहौल का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे ये करते हुए वो इसे पोल्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इंडस्ट्रीज सेट कर रहे हैं, ठीक है, या अर्बनाइजेशन हो रहा है या दूसरे कोई मेथड से जो है जिससे हम जो है अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है हम इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, ठीक है, आलूदा कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, ठीक है, अर्बनाइजेशन, सिटीज़ का बनना और बढ़ती हुई आबादी जो है, ये क्या है, फैक्टर्स है, किस वजूहत है, किसके, पोल्यूशन के, आलूदगी के, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको मालूम है इंडस्ट्रीज सेट होंगे, ठीक है, तो हम जंगल को भी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, साथ ही साथ जो है ये जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, केमिकल वेस्ट, वो पानी को भी गंदा करता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन जब सिटीज डेवलप होगी तो पोल्यूट हो गए हमारे जो है एनवायरमेंट, ठीक है, तो बहुत से हवा भी पोल्यूट होगी, वाटर भी, ठीक है, सॉयल भी, बहुत सारे फैक्टर्स है, एंड एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी से भी, ठीक है, ये क्या है, मेन फैक्टर से आलूदगी के, पॉल्यूशन के। अब बता रहे पोल्यूशन होता क्या है। अब पोल्यूशन कहते हैं हमारी हवा, पानी, जमीन या मिट्टी को क्या गंदा कर देना, किन से, हार्मफुल सब्सटेंसेस, जब उसमें हार्मफुल नुकसानदेह जो है चीजें, ठीक है, ऐड हो जाएं, ठीक है, उसको हम आलूदगी कहते हैं। तो पोल्यूटेंट
इज अ सबस्टांस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. पोल्यूटेंट उसको कहा जाता है एक ऐसा सबस्टांस जो क्या करता है, पोल्यूट करता है, गंदा करता है, आलूदा करता है माहौल को. और पोल्यूटर किसे कहते हैं, पोल्यूटर इज अ पर्सन और अ फैक्टर दैट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट. पोल्यूटर एक पर्सन है या फैक्टर होता है, ठीक है, जो पोल्यूट करता है हमारे माहौल को, एनवायरनमेंट को. तो ये था थोड़ा बहुत आज एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, और पोल्यूशन के बारे में थोड़ा जान लिया हमने. नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.